चारू असोपा और राजीव सेन पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बने हुए हैं। दोनों बहुत जल्द तलाक भी लेने वाले हैं। दोनों की घर की लड़ाई पूरी तरीके से सार्वजनिक होती नजर आ रही है। दोनों सोशल मीडिया और इंटरव्यू के जरिए एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते भी दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले चारू ने आरोप लगाया था कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब राजीव ने उन्हें धोखा दिया था। वो सुबह निकलते थे और सीधा देर रात आते थे। फिर राजीव के बैग से एक चीज मिलने से चारू का शक यकीन में बदल गया। हालांकि इसके बाद राजीव ने भी चारू असोपा पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि शादी के बाद भी चारू का एक्टर करण मेहरा के साथ अफेयर चल रहा था। दोनों ने रोमांटिक रील्स भी बनाई थी। राजीव ने ये भी दावा किया कि खुद चारू की माँ ही ने उन्हें चारू और करण के अफेयर के बारे में बताया था। इन सब के बीच राजीव की बहन और एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। चारू असोपा ने आरजे सिद्धार्थ कदम को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि सुष्मिता सेन ने उन्हें हमेशा उनकी खुशी को प्रायोरिटी देने के लिए कहा। ये पूछे जाने पर कि क्या सुष्मिता ने उन्हें शादी के रिश्तों को सुधारने के लिए कहा, इस पर चारू ने कहा कि नहीं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने हमें इसे सुधारने के लिए कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा मुझे पहले दिन से ही अपनी खुशी को प्राथमिकता देने के लिए कहा। चारू ने आगे कहा कि मेरे पेरेंट्स ने कहा कि शादी को सही करनी चाहिए और हमें मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन दीदी यानी कि सुष्मिता सेन ने कभी नहीं कहा। वो हमेशा कहती थी कि अगर आप खुश नहीं हैं तो वो करें जिससे आपको खुशी मिले। मैंने उनसे कभी भी हस्तक्षेप करने के लिए कहने से ज्यादा परेशान नहीं किया, लेकिन वो परिवार है, उन्हें चीजों का पता चलना चाहिए। चारू ने आगे कहा कि मैं इन बातों को लेकर अपने ससुराल वालों को फोन भी नहीं करती या उन्हें नहीं बताती, क्योंकि वो काफी बुजुर्ग हैं और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। मैंने कभी किसी को ये कहकर परेशान नहीं किया कि मैं मुश्किल में हूँ, कृपया मेरी मदद करें। जब भी मैंने दीदी से इस बारे में बात की तो उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि अगर आप एक साथ खुश रह सकते हैं तो साथ रहें, लेकिन अगर आप खुश रहेंगे तो अलग हो जाइए। बिल क्या कहना है आपका चारू राजीव के रिश्ते पर और आपको इनकी जोड़ी कैसी लगती है, हमें कमेंट्स के जरिए ये जरूर बताएं।